हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए कोफोर्स का चार्ट चुना है। कोफोर्स जिसका ओल्ड नेम है नीट टेक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2315 है। तो चलो देखते हैं कोफोर्स का चार्ट। ये है कोफोर्स का डेली चार्ट। कोफोर्स ने जनवरी 2020 में 2057 का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और अच्छा खासा फॉल। मार्च 2020 में 739 का लो बनाया, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल, स्टॉक ऊपर गया और वापस थोड़ा सा करेक्टिव और वापस स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक सुपर ट्रेंड, यहाँ से स्टॉक में नेगेटिव में था और स्टॉक भी एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा था। यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आ गया। ये आप रेड लाइन जो देखते हो वो स्टॉक की 200 टीएम है। स्टॉक ने करीब करीब दो महीना इसको पार करने की कोशिश की। आखिर दो महीने के बाद अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के बाद स्टॉक ने 200 डीएमए को पार किया और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने लगा। इसके बीच 1574 मई 2020 में हाई बना था, उसको पार करके स्टॉक ने अगस्त 2020 में 2079 का हाई बनाया। अभी अभी इसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक कंटिन्यू से एक जोन में ट्रेड कर रहा था और वो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट ले रहा था और स्टॉक ने अभी इधर यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2271 का हाई है। तो स्टॉक आखिर जो एक ट्रेंड लाइन है जो जनवरी 2020 और सितंबर 2020 को ज्वाइन करती है उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करने लगा और कई बार उसने यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस दिया। अभी अभी फ्राइडे को स्टॉक ने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिया है, 2271 को पार किया है और नया हाई एक 2324 पे बनाया है और 2313 का बंद जो इसके हाई के ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर बंद दे दिया है। ए स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने नो श्योर थिंग केएसटी इंडिकेटर का यूज किया है। केएसटी इंडिकेटर में ऐसा होता है कि मोमेंटम ऑसिलेटर है और इट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज फॉर 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। इट मेजर्स प्राइस मोमेंटम फॉर 4 प्राइस साइकल्स कंबाइनिंग इनटू 1 सिंगल इंडिकेटर। जो जीरो लाइन लेता है उसके आजू बाजू अगर इंडिकेटर ट्रेड करता है तो साइडवेज स्टॉक होता है, और अगर ये स्टॉक जीरो लाइन के नीचे ट्रेड करता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्टॉक इज इन बेरिश मोड, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है इंडिकेटर तो स्टॉक पॉजिटिव मोड में आ जाता है। तो अभी अभी स्टॉक ने अच्छा सा पहले का हाई क्रॉस करके पॉजिटिव सिग्नल दिया है, इसका ट्रेंड इंडिकेटर भी पॉजिटिव मोड में है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक का टारगेट 2600, 2900 और 3500 आ सकता है, और इस बीच अगर स्टॉक नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2150, 2050, 1970, 1885 और 1840। एक खास स्टॉक इसलिए चुना है कि अभी अभी जो मार्केट में फॉल आया उसको स्टॉक ने अच्छा खासा सामना करके ये स्टॉक नया हाई में जोन में गया है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ये स्टॉक में 1770 का स्टॉप लॉस करना जरूरी है। थैंक यू। Investment in securities market is subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. V Ventura Securities Limited, its analysts and associates, with regard to the video, hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in the securities of the company. We do not have any directorship or other material relationships with the company. We do not have any personal interest in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company, such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment, disinvestment, decision made on the basis of this.